find the number of, find the two number x and y whose sum is 50 and xy square is maximum. xy square is maximum. So, I'm talking question number 9. Question number 9. So, question number 9 is what is that? The sum of two number x, sum of two number is 50. So, one number x, another number is 1. And I'm going to put the two number x and y. So, like that, x plus y equal to 50. So, x plus y is now 50. Then, I'm going to keep it y equal to 50 minus x. 50 minus x. So, I'm going to convert y to x to y. So, I'm going to put now xy square is maximum. So, I mean, let z equal to xy square. So, I mean, to maximum or minimum to a pi-thout only, now e for again, y in a dy by dx bar collect, d square y by dx square collect, but if dy by dx equals 0, so d square y by 2, extreme point pi by x, so you see 1, c 2, and this you find it. ताको डबल डैश एक्स रे पुटिंग कर ले तो सी1 विद ग्रेटर देन 0 होला एक्स इक्वल टू सी1 तनो ते सी1 इज गिवन वैल्यू छ ना मिनिमम यदि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी2 लेस देन ओते सी2 इज मैक्सिमम तो इको फॉर्मेट ए फॉर्मेट को मिचे तो बर्तन जो हमरो अंको बेस को चीज का हमने जो मैक्सिमम ऊपर है तो ना अभी क्या करेगा ना डीजे बाय डीएक्स नवा आगू एडिट के चक्कर में कोई ना चेंज कर दो ठीक है बुटी डोर में हम कंट्रोल करेगा अने ये 15 माइनस एक्स स्क्वायर गरीब जो एस ये 225 गरीब 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30x उन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर ले 225x x क्यू 30x स्क्वायर तब ले लेके ना डीजेल बाई डीएक्स 225 ये 3x स्क्वायर ये 60x ये कितना सर माइनस 60x तो डी स्क्वायर जेड बाई डीएक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जीरो आ चला चा ये 6x माइनस 60. ओके तो ये जो फॉर्मेट है बस मतलब ये जो फॉर्मेट है वो सेफ फॉर्मेट को ले लीजिए तो बर्तन जो हम आसी ले कौन का ले ना हम बा कौन ओके डीजे बाय डीएक्स इक्वल टू 0 फाइंड द एक्सट्रीम फॉर देन हम एक्सट्रीम वैल्यू बाय अपन को ले ना धर ले तब इंप्लाई दैट ये कितना से रहा जा ना 3x square minus 60x 225 equal to 0. तो 3 common है x square 20x plus 75 equal to 0. देन हमें छोड़ से लगा कौन? ना देन ऐसे दे 3 को divide को ले x square 20x plus 75 equal to 0. तो ना यहाँ कुछ अगर x minus 5 x minus 5, x minus 15 equal to 0, and x equal to 5, x equal to 5, x equal to 15. Okay, so coming to the final place, x will be 5, how 50. So, x equal to 5 तो x equal to 5 पुटिंग को ले कौन दे रहा था 6 into 5 minus 60 और minus 30 is
is less than 0. अतः b square z by dx square है ना, ये जो भिन्न आ सकता है, अतः हमने क्यों लिखा था, अतः x equal 5 is maximum. तो maximum कौन रहा है? तो हमें अपने second part को जीवन चार, second part कौन पहुंची? Second part. तो हमें नोट करते हैं, ना b square z by dx square x equal to 5 is 15. तो 15 को क्या लिखते रहा चार? 6 into 15 minus क्या है 60, then 30 is greater than 0. So x equal to 15 is minimum point. Then I will put x equal to 15. Now point is the maximum. Then I will show you how to get x equal to 5 y equal to 9. Then x plus y equal to 15. Then y equal to 10. This is the first problem. Now question number 9. And I'm just a question from Bullet. Now let x and y are two numbers. So, so that x plus y equal to constant c. So imply that y equal to c minus x. So I'm going to base color power. Now product is maximum. Okay. तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम चार हमारा कौन कलर ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैक्सिमम तो लेट की ना चार लेट पी नहीं चार पी तो ली पी आर एक्स तो इम्प्लाई दैट पी इक्वल टू एक्स इन रिप्लेस ऑफ वाई सी माइनस एक्स दैट इज सी एक्स इनटू एक्स स्क्वायर ना dp by dx and c here 2x and d square p by dx square minus 2 and d square p by dx square is minus 2 so minus 2 means it is less than 0 so I mean यार उधर उधर की क्या सीख रहे हो सब उड़ा कुकुना सीख रहे हो मैक्सिमम ऐसे ओके तो बताना तो चाहते हैं अगर फॉर मैक्सिमम तो क्या होते हैं अतः डी पी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाई दैट सी माइनस टू एक्स इक्वल जीरो अने टू एक्स इक्वल टू सी तो इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू सी तो मुझे जस्ट कोई ऐसे नहीं यार जो वैल्यू था ऑल वैल्यूज और क्रिटिकल पॉइंट्स था ये जो ऑल पॉइंट्स था जो था ना ऑल पॉइंट्स आर मैक्सिमम इट इज सच तो बर्तन जो हमने सिलेक्शन कर लिया ना था सी बाय टू और सी बाय टू और चेक कर लिया हमको नहीं यार जो पॉइंट आई उस पॉइंट की पॉइंट है जो मैक्सिमम तो x इक्वल सी है तो जब आते x प्लस y इक्वल टू सी और तब c y टू प्लस y इक्वल टू सी और तब y इक्वल टू c माइनस c y टू दैट इज c y टू और तब x इक्वल टू y इक्वल टू क्या सी है c y टू पर जो मैक्सिमम मतलब से मान लो चाहे ये डबल में दस लग जाए c y टू x is c y टू y is c y टू देन हमें सर्च करो क्वेश्चन हम बहुत ही नेफ़े में आते हैं। इलेवन क्वेश्चन का मतलब बोलते हो अच्छा इलेवन क्वेश्चन कौन पूछे? ना इलेवन क्वेश्चन का सिला। इलेवन लोग क्वेश्चन कौन सा देखो? डिटरमाइन द रेक्टैंगल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। रेडी एरिया ऑफ रेक्टैंगल का स्क्वायर सेंटीमीटर व्हिच हैव बीन मिनिमम पेरिमीटर्स मिनिमम तर मुझे उससे हम बोलते हैं कोई कौन सा ना उधर रेक्टैंगल दर अच्छा रेक्टैंगल अच्छा एक्स ना लेंथ वाई ना ब्रेथ तो हम उसे उससे तो जा सको ना एक्स वाई इक्वल टू 25 एवं बेस वाला को ना टू इनटू एक्स प्लस वाई इज मिनिमम मतलब पेरिमीटर तो सीधा कम लेते हैं अपन ना असल जो लेंथ एक्स be the length of length
y be the breath, breath, breath of rectangle. So according to question, xy equal to 25, that is y equal to 25 by x unit. अपना देश को लगा रहे थे ना perimeter, ना perimeter of rectangle is minimum. अने let होने चाहिए p equal to क्या रहे थे let ना p होने चाहिए let p equal to 2 into x plus y. हमारे साथ perimeter is परिसीमा अने 2 into दैर्घ्य plus प्रस्थ अने क्या आ रहा था बटन छ में कौन करेगा अने p equal to 2 into s plus 25 by x जो ये घटक से लिखो के अने 2x plus अने क्या आ रहा था 2x plus 50 by s अने dp by dx equal to 2 ये 50 minus 1 by x square अने ये दोनों अने क्या करेगा 2 50 minus x square अने dp d square p by dx square equal to 0 सिद्धियों का रूपूर ये minus 50 ये 1 by 0 जा minus 2 ये minus 2 एक्स के बाद minus 3 हमारो minus 50 करिया ना 1 by x square हो ची तो रूप ला जा इसलिए minus 50 ले तो ना सिया जा minus 2 50 बाद minus 3 अने ये आज देखो दे minus minus plus x तले for minimum value minimum value तो minimum value आसे ले जा अते dp y dx equal to 0 that means it here 2 minus 50 by x square equal to 0 that imply that 2 x square minus 50 equal to 0 that is 2 x square equal to 50 x square equal to 25 so x equal to plus minus कितना है जोड़ plus minus हाँ तो हम दूसरी का point पाएंगे जो दूसरी का point पाएंगे जो हम ऐसे और मुड़ी क्या सर जो दूसरी का point पाएंगे से point को हमें क्या मुड़ी ना वो भी putting करिया putting this value in double brackets अच्छा d square y by ऐसे d square p dx square हमें नोवर x equal to minus 5 तने 100 by minus 5 रो q ये 100 by minus 125 ये less than 0 अते x equal to minus 5 is maximum point तो हमें एक पॉइंट अच्छा लगा रहा है कहीं कि हमारा आपको बेस को क्या है मिनिमम रे देन हमें स्क्वायर डी स्क्वायर बी बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 500 अने 100 बाय ये 5 रो क्यू अने 100 बाय 125 ये ग्रेटर दे अते एक्स इक्वल टू 5 इज मिनिमम मिनिमम पॉइंट तो ते चलते रहा x को मिलो 5 आई में imply that x y equal to 25 तो ते y equal to ये तेरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 तो ऐसे चल क्वेश्चन नंबर 12 पर से ना मुझे ये लगता है बुक्तिये फॉर्मेट का प्रॉब्लम हम इसे फॉर्मेट का प्रॉब्लम सो देते हैं तो फॉर्मेट का है सर भाई वाइ बुक्ते चल देना है सिर्फ को देना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौन कोई लगा मुझे चल ना क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 12 ले सिला फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इन स्टेनलेस स्फीयर रेडियस आर तो क्वेश्चन नंबर 12 ले सिला इधर डायग्राम बना
जेटर स्पीयर उते सिलेंडर का भीतर अच्छी है ना तो एटर जो हमारा सिलेंडर में ना सिलेंडर एवं एटर जैसे एटर के पलटी चुका एटर जो मिड पॉइंट और एटर जो हम बोलते हैं ना राजा सेंटर ऑफ स्पीयर एटर का में सीधी जी आर्ट जो स्मॉल बाकी कुछ हमें इधर हमने नहीं करता है ए बी सी डी इधर चल वो दी दिली है ना वो ऐसी कुछ चल क्या सी जो चल इधर कम है पी इधर चल क्यों कुछ जब उनको ना बेस करते था अपने तब उनको ना बेस करते मैक्सिमम भरियो हमें इधर मन लगा मैक्सिमम भरियो इधर तो हमको बेस करते अरे प्रथम में क्वेश्चन नंबर हमें देखना कौन सा ए बी सी डी लेट ए बी सी डी रेक्टेंगल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर अब रेडियस आर तो एक टाइम जब क्लियर हो रेडियस कितना था ओ ए अने ओ ए हम आयरन करते थे ना ओ ए दैट इज आर तो हमें जो नंबर लेट का हमें लगे थे क्यू बी इज द रेडियस ऑफ बी द रेडियस दिखे बी द रेडियस ऑफ स्फीयर that is r same param dhani cha r tane effort ko modhe sei cha ki ho eta tane yas ko sam q b ba ki ara cha ami likhe a q modhe likhi paria a q equal to o q with the radius of the sphere tane a q likhi pariba a q likhi ho ki no ne a q b the radius of the sphere sphere ba ki ho cha eta ki p q PQ is the altitude of altitude of cylinder that is kitna hai sir that is x same tapin gadi ka kitna x hai na PQ the PQ kitna hai sir PQ is the altitude of cylinder तमन्ना हमने की पहले बच्चा वो क्यू इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई टू दैट इज एक्स बाई टू लेफ्ट बच्चा बट द कंपोनेंट को बेस पर से मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर के दशा पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच ये क्या मतलब है तो ये जो हम ने ले लिया कौन बच्चा ना पी क्यू इक्वल टू पी वो क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई टू एक्स बाई टू in triangle OAQ OAQ yani AQ equal to right hand triangle ke jo theta OAQ ye right hand triangle yani AQ equal to OA square OA square minus OQ square root यानी यहाँ भी लोग कहते हैं इधर से स्मॉल आस्पेयर इधर आ रहा है ना आस्पेयर माइनस एक्स बाय टू रो आस्पेयर रो अब किसी को भी आस्पेयर का चुनाव करें तो ना मेरे को लिखी बारी में कहते जो तो आस्पेयर एक्स स्क्वायर बाय और रो रूट ऑफ इधर किया जो एक यूनिट्स के बिटर आर यानी आर पर इधर तो एटीएम cylinder cylinder maximum so let v equal to capital r cha likhi kahi na cylinder ko cylinder radius ko capital r se capital r so then pi capital r square kitna cha jata hai na small r square x square by 4 is a jo bolu chi x is hum hame cylinder lo chi eta hum cha kon nahi bolega
যে অল্টিচুড অফ সিলিন্ডার দ্যাট ইজ এক্স 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 মিন্স কি হচ্ছে এইচ হাইট এটা সব কোন কথা আছে না এই সেলার কি হলো হাইট হাইট Question number 13. The question number 13 that we have to share is